हाउ टू फाइंड आउट राइट कस्टमर ऐसा क्या करें कि हमें सही ग्राहक मिले दोस्तों ध्यान रखिए किसी भी बिजनेस की जो ग्रोथ है ना वो केवल एक चीज पर निर्भर है और वो है सेल्स अगर सेल्स का वॉल्यूम बढ़ता जाए ना तो आप अपने बिजनेस को कितना भी एक्सपेंशन की ओर ले जा सकते हैं कितना भी स्केल अप कर सकते हैं और दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेस जो स्केल हुए हैं वो केवल सेल्स की वजह से स्केल हुए हैं इसीलिए आज हम यही बात करने वाले हैं कि हमारी कंपनी ने ऐसी क्या प्रॉब्लम फेस की और उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन बनाया और सोल्यूशन बनाने के बाद जब हमने उसको इम्प्लीमेंट किया तो हमारी ग्रोथ आई और बहुत सारे लोगों ने पूछा भी कि सर हमें भी बताओ कि भाई हम अपने कस्टमर कैसे बढ़ाएं तो आज इसी विषय पर बात करते हैं तो सबसे पहली बात क्या है केवाईसी अब आप कहेंगे केवाईसी सर हमें कोई अपने डॉक्यूमेंट्स क्यों देगा फ्रेंड्स जिस तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कहीं भी आप जाते हैं बैंक में अकाउंट खोलते हैं कहीं भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो वो आपसे कहते हैं अपना के कराएं क्यों क्योंकि वो आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं आपका नाम क्या है आपका एड्रेस क्या है आपका ईमेल आईडी क्या है आपकी एज क्या है आपका जेंडर क्या है आपकी फैमिली में कितने लोग हैं आप कहाँ रहते हैं सब कुछ आपके बारे में जानकारी ले लेते हैं ताकि यदि कोई समस्या आए या कोई भी एक नई चीज आए तो वो आपको इन्फॉर्म कर सकें ठीक उस तरह से बिजनेस में भी आपको केवाई करना है और केवा का मतलब ये नहीं कि अपने क्लाइंट से ये कहना है डॉक्यूमेंट सबमिट करो वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को या आपको अपने डॉक्यूमेंट क्यों देगा यहां पर केवाईसी का मतलब है आपको जाननी है उसकी प्रोफाइल डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक दो तरह की प्रोफाइल अगर आप किसी कस्टमर के समझ जाए तो आपको यह पता लग जाएगा कि यह व्यक्ति क्या मेरे प्रोडक्ट को खरीदने की क्षमता रखता है क्या यह वही सही व्यक्ति है जिसको मैं अपना प्रोडक्ट बेच सकता हूं क्या यह वही व्यक्ति है कि जो मेरे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार है आपको सबसे पहले चेक करना है डेमोग्राफिक प्रोफाइल मतलब उस व्यक्ति की एज जेंडर बाइंग कैपेसिटी इनकम लोकेशन बिजनेस और प्रोफेशन जब आप किसी व्यक्ति के बारे में इतनी जानकारी जानते हैं ना तो आपको पता लग जाता है कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप उसको ऑफर कर रहे हैं वो खरीदने के लिए तैयार है या खरीदने की क्षमता रखता है नेक्स्ट साइकोग्राफिक मतलब उसकी वैल्यूज क्या है किस तरह के इंटरेस्ट रखता है हॉबीज किस तरह की हैं कस्टमर का बिहेवियर कैसा है उनकी पर्सनैलिटी कैसी है नीड क्या है और विलिंग टू स्पेंड उसके अंदर है या नहीं कई बार देखा गया है कि लोगों को बढ़िया चीज की जरूरत तो होती है पर उस बढ़िया चीज को लेने के लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते जैसे मेरा एक बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड है वो हमेशा कहता है यार बढ़िया मोबाइल लेना बढ़िया मोबाइल लेना है मन का एप्पल का जो एडवांस फोन आ रहा है ना आईफोन फोर्टीन ले लो करें हाँ लेने का तो बड़ा मन है पर यार डेढ़ लाख रुपए का बड़ा महंगा है फिर देखेंगे कभी और हर बार वो एंड्रॉयड फोन खरीद लेता है जबकि अगर देखा जाए तो तीन बार जो उसने एंड्रॉयड फोन खरीदा है उतने में एक बार वो एप्पल का फोन खरीद सकता था फाइन तो हर तरह के लोग होते हैं किसी किसी के पास इच्छा तो होती है पैसे भी होते हैं लेकिन खर्च करना नहीं चाहते

हम ये समझ गए कि कोई भी कंज्यूमर जब वुडन मॉडुलर किचन लगाता है बड़े अच्छे से पैसे खर्च करता है बड़े दिल से किचन बनाता है लेकिन कुछ ही समय में वहाँ दीमक लग जाता है उसमें घुन लग जाता है धीरे धीरे वो किचन जो होता है वो सड़ने और गलने लग जाता है जिसकी वजह से उसकी सारी की सारी पूंजी खराब हो जाती है तो हमने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला कि आप स्टेनलेस स्टील से बने मॉडुलर किचन लगवाएं ना ये कभी गलेगा ना ये कभी सड़ेगा ना कभी खराब होगा और हाइजीनिक रहेगा कस्टमर की डिजायर को हमने समझा जरूरत को हमने समझा प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने प्रोवाइड किया और धीरे धीरे हमारा कस्टमर का बैंक बढ़ता चला गया इस तरीके से हमने ये जाना कि हमारा सही कस्टमर कौन है जब आप एक बार अपने सही कस्टमर की जानकारी हासिल कर लेंगे तो बहुत आसान होगा उसकी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करने के लिए आपको क्या करना है डेवलप योर प्रोडक्ट एज पर द कस्टमर नीड डिजायर और सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम और यही सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी बिजनेस के लिए अगर वो बिजनेस बहुत अच्छे से एक्सपेंशन करना चाहता है है ना तो अगर आप ऐसा कर लेंगे तो बेहतरीन प्रोडक्ट आपके पास होगा उसके बाद आपको डिजाइन क्या करना है डिजाइन करनी है राइट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फ्रेंड्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ना बहुत सारे तरीके से की जा सकती है कैपिटल इंटेंसिव लेबर इंटेंसिव डिजिटल इंटेंसिव ऑफलाइन इंसेंटिव तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की मार्केटिंग करेंगे ध्यान रखिए आज अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए मार्केटिंग करते हैं तो आप कंज्यूमर की डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक प्रोफाइल का इस्तेमाल करते हुए राइट right कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं तो इसीलिए अगर आप अपने ग्राहक की अटेंशन को ग्रैब करना चाहते हैं तो ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं या प्रोडक्ट की सेल चाहते हैं या ब्रांड बिल्डिंग चाहते हैं या आप सेल चाहते हैं तो आपको सबसे अच्छे से फोकस करना होगा राइट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर और फ्रेंड्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से संबंधित बहुत सारे वीडियोज मैंने इस चैनल पर दिए क्योंकि ये एक बिजनेस चैनल है बिजनेस से रिलेटेड आपकी हर समस्या का समाधान हमारे पास है क्योंकि जो समस्या हम अपने बिजनेस में फेस करते हैं और जब उसको सॉल्व करते हैं वही कंटेंट जब वो अप्रूव हो जाता है तो आपको डिलीवर करते हैं तो आपको क्या करना होगा राइट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिजाइन करनी होगी ताकि आप बेहतर तरीके से कंज्यूमर तक पहुंच सकें या कंज्यूमर आप तक पहुंच सके एक बार आपका कंज्यूमर आप तक पहुंच जाए या आप कंज्यूमर तक पहुंच जाएँ तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रहेगी वो होगी राइट सेल्स प्रोसेस

तो सेल्स पिच करने की राइट right होनी चाहिए जैसे हमारी कंपनी में जब कस्टमर आता है तो पहले वो सारे प्रोडक्ट को देखता है और ऐसा नहीं होता है कि एक बार प्रोडक्ट देखा खरीदा और ले गया बहुत सारे बिजनेसेस में ऐसा होता है कि प्रोडक्ट रेडी टू सप्लाई होता है कस्टमर शॉप पर या शोरूम पर आया प्रोडक्ट को देखा पैसे दिए खरीदा और चला गया हमारे वाले केस में क्या होता है कि कस्टमर आएगा पहले देखेगा उसके बाद अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन कराएगा तो हमने प्रोसेस क्या डिजाइन किया कि पहले आप डिस्प्ले देखिए उसके बाद अपने प्रोडक्ट को अपनी जरूरत के हिसाब से डिजाइन कराइए डिजाइन के बाद वो कुछ चेंजेस बताएगा तो सेकंड स्टेप क्या हुआ डिजाइन देन चेंजिंग चेंजेस के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि आपकी फैमिली पूरी सबको सब साथ में आए साथ में बैठे और डिजाइनिंग के हिसाब से चीजों का सिलेक्शन कर लें सब चीजों का सिलेक्शन हुआ तो हमने कॉस्टिंग सर्व की कॉस्टिंग सर्व करने के बाद क्या होगा कुछ बार्गेनिंग होगी वो अपने कुछ ऑफर देगा हम अपने कुछ ऑफर देंगे जहां पर डील क्लोज होगी वहीं तुरंत ऑर्डर फॉर्म फिल करेंगे डॉक्यूमेंट साइन कराएंगे और डील को क्लोज करेंगे पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन भी वहीं पर हम हैंड टू हैंड क्लियर कर देंगे तो आपको क्या करना है आपके बिजनेस में सेल्स के जो स्टेप्स स्टेप्स हैं वो आपको नोट डाउन करने कि हम इन को फॉलो करते हुए अपनी सेल्स डील को क्लोज करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि यदि आपने सही तरीके से सेल्स के लिए पिच नहीं किया तो आपके प्रोडक्ट को देखने के बाद खरीदने की इच्छा रखने के बाद भी कई बार कस्टमर मिस हो जाएगा और जब आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो करेंगे ना तो आप आसानी से डील को क्लोज कर पाएंगे मैंने कहा था किसी भी बिजनेस की जो एक्सपेंशन है है वो केवल और केवल और इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी सेल्स कितनी है और सेल केवल इसी बात पर निर्भर करती है कि मार्केटिंग कैसी है मार्केटिंग इस बात पर निर्भर करती है कि क्या आप सही तरीके से सही कस्टमर तक पहुंच पाएंगे या नहीं यदि हाँ तो आपके बिजनेस की ग्रोथ निश्चित है इसके अलावा बिजनेस से संबंध आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो वो प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि आने वाले वीडियोस में अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट होने वाले फॉर्मूलाज को मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर सकूं कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें स्वस्थ रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं जय हिंद जय भारत